हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुक विद नेहा। आज आप देख रहे हैं, ये देखिए बड़ा सा बैंगन, भरते वाला बैंगन है ये। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, और उसके लिए हमें एक बैंगन में ऐसे करके इसको चीरे लगाने हैं। जब ये बैंगन भुनेंगे ना तो ये लहसुन के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन भुन रहा है। बैंगन का भरता मेरे स्टाइल का बनाना सिखा रही हूँ आपको। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए ये देखिए। ये चाहिए आपको एक बड़ा प्याज, दो मीडियम साइज के टमाटर, एक एक इंच का अदरक का टुकड़ा, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, तीन से चार हरी मिर्च जितनी आप खाते हैं। बैंगन के भरते में आज हम डालने वाले हैं मटर, ये है हरी मटर, और ये है मूंग की दाल की बढ़िया। इनको फ्राई करके बैंगन में डालेंगे, बैंगन में अलग ही क्रंचीनेस आएगी। ये इतने बैंगन भुन रहा है हमारा, इतने हम ये सारी सब्जियां काट के तैयार कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बैंगन बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया। ये बिल्कुल आराम से चक्कू भुनने का मतलब होता है, ये देखिए चक्कू आराम से निकल गया। इसमें कोई जबरदस्ती आपको नहीं करना पड़े, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, बैंगन को इससे उठाएंगे चिमटे से, और इसको ये ठंडा पानी हमने लिया है, ठंडे पानी में डाल देंगे। ये देखिए ठंडे पानी में डालने से क्या होगा ना, बैंगन का छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसके साथ ये देखिए प्याज हमने फाइन चॉप कर लिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और सब हमने चॉप करके रख लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भरते के लिए बैंगन मैंने तैयार कर लिया, अच्छी तरीके से मैश कर लिया। इसमें थोड़ा सा बैंगन में हमारा खराब निकला था तो वो मैंने हटा दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। अब बैंगन का भरता बनाने के लिए क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे। क्या हुआ सोने का, क्या तरीका था गुन का। कढ़ाई में ये तेल ले लेंगे, तेल थोड़ा सा गर्म होने देंगे। एक बार तेल गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, पहले ये जो मूंग की दाल की बड़ियां हैं इनको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मसाले वाली मूंग की दाल की बड़ियां हैं, इनसे ना इसके अंदर बैंगन के अंदर भरते के अंदर थोड़ा सा ना क्रंचीनेस आ जाएगा। क्रंचीनेस थोड़ी देर फ्राई करेंगे, इसको लाल होने देंगे, लाल होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मूंग की दाल की बढ़िया लाल हो गई है। अब इनको प्लेट में निकाल सकते हैं। अब ये जो तेल गरम है अब फ्रेंड्स देखिए, ये तेल बहुत तेज गरम है, इसके अंदर क्या डालेंगे, जीरा। जीरा डालने के तुरंत बाद हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे और अदरक डाल देंगे। ये थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाएगा हल्का सा फ्राई करने के बाद। अब हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे, कटे हुए प्याज को लाल होने तक भून लेंगे, लाल करेंगे ब्राउन नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, ये प्याज जो है ना ये पिंक हो गई है, पिंक होने की स्टेज तक हमने इसे भून लिया। अब इसमें क्या डालेंगे, इसमें हरी मिर्च डालेंगे, जितनी आप खाए हरी मिर्च हमेशा उसके हिसाब से डालें। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं डालें। और ये बहुत सारा टमाटर है, इसमें हमने डाल दिया टमाटर पकने के लिए, हम अच्छी तरीके से टमाटर पके इसके लिए हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक, इससे जल्दी जल जाएगा। और इसी समय पर इसमें धनिया, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्च का पाउडर। फ्रेंड्स मसाले जो है आप हमेशा अपने अनुसार डालेंगे, किसी को धनिया पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद, किसी को प्याज पसंद, किसी को नहीं पसंद, किसी को हरी मिर्च पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, और जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसे कम क्वांटिटी में डालेंगे। अब इस मसाले को थोड़ी देर ना पकने देंगे, टमाटर पकेगा तो अच्छी तरीके से गल जाएगा। मसाले डाल दिए तो टमाटर के साथ सारे मसाले भी भुन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला भुन रहा है, जैसे हल्का सा हमें लग रहा है ना, ये टमाटर गलने लगा है, इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि ना ये मसाला अच्छी तरीके से और भुन जाएगा। ये मसाला हम देखेंगे थोड़ी देर, क्योंकि उसको जैसे ये तेल छोड़ देगा फिर हम इसमें मटर डालेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया है, कहीं से कहीं तक पकने का। ये देखिए मसाला
मसाला इसका मतलब पूरा बन गया। इसमें क्या डाल करेंगे, मटर डाल देंगे। मटर कच्ची है, थोड़ा सा पकने में इसको समय लगेगा, इसलिए मटर इस स्टेज पे डाल के इसके टमाटर के साथ तीन से पाँच चार मिनट पकाएंगे और ये मटर बिल्कुल गल जाएगी। जैसे ही मटर गलेगी फिर हम इसमें आगे बैंगन का भाटा डालेंगे। इसको दो मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से इसको ढक देंगे और यहाँ पे देखिए ढक देंगे, ये मटर गल जाएगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मटर बिल्कुल गल गई है, अच्छी तरीके से गल गई है। इस स्टेज पे क्या करना है, ये जो हमने बढ़िया भून के तैयार की थी तोड़ के, ये हमने तोड़ दी थी, ये इसमें डाल देंगे। और भी बैंगन भून के तैयार किया था, ये बैंगन इसमें डाल देंगे। इसको दो से तीन मिनट इस तरह तरीके से भूना है, अच्छी तरीके से, जिससे कि जो मसाला है वो बैंगन के जो भरता है उसके अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें टमाटर अच्छी क्वांटिटी में पड़ा है तो अमचूर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला ले लिया, गर्म मसाला डाल दिया और ये ऊपर से इसमें बहुत सारी हरी धनिया। आपको ये बैंगन का भरता तैयार है, आप इसको इस तरीके से अपने घर में बनाइए और बताइए आपका कैसा बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार हो गया है, अब आप इसको चाहे ब्रेड के साथ खाएँ या रोटी के साथ, पराठों के साथ या चावल के साथ। मेरी पसंदीदा चॉइस चावल है, मुझे चावल के साथ बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। अभी हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है, लग रहा है ना बिल्कुल यमी यमी। अब आप इसको बनाइए और ज़रूर खाइए। थैंक